నన్ను ఉండమంటారా పోమంటారా హోం మంత్రి మహమూద్ అలీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి పాత బస్తీ యువకులతో ఫోన్ లో మాట్లాడిన మహమూద్ అలీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు శుక్రవారం నమాజ్ కూచే వారిపై పోలీసులు లాఠీ చార్జ్ చేస్తున్నారని వారిపై మీరు ఏం చర్యలు తీసుకున్నారని ప్రశ్నించారు అందుకు సమాధానంగా నన్ను ఉండమంటారా పొమ్మంటారా అంటూ ఎదురు ప్రశ్నించారు మంత్రి మహమూద్ అలీ ముస్లింలకు న్యాయం చేయినప్పుడు ఉంటారో పోతారో మీ ఇష్టం అంటూ అదే రేంజ్ లో సమాధానం ఇచ్చారు పాత బస్తీ యువకులు మస్జిద్ అజీజియా కే పాస్ లాఠీ చార్జ్ హువా సాహబ్ जी, ये नमाज से लोगा निकल के गुस्ताख रसूल के लिए प्रोटेस्ट करे बावजू निहत्य उसके ऊपर धनाधन 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 बेदर्दी से नौजवान बच्चों को बुढ़ों को सबको मारा गया। ऐसा रहता साहब परमिशन देना उसके लिए परमिशन लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे नहीं है। अब अपन थोड़ा कंट्रोल में करे तो अच्छा रहता फिर भी बोलेंगे बोल के थोड़ा कुछ नहीं आप परमिशन दिलाइए मेरे को कैसा किस हिसाब से परमिशन मस्जिद से निकल ले बात नहीं ग्राउंड नहीं मस्जिद से निकले बात साहब कितनी देर का प्रोटेस्ट रहता बोलिए साइलेंट प्रोटेस्ट इतना बुरा मार देते साहब क्या उनके पास हथियार था क्या कुछ था बोलिए आप राजा सिंह इतने स्टेटमेंट में सुनिए आप साहब दो मिनट सुनिए राजा सिंह रिकॉर्ड पे डालते हम क्या बात करना मेरे समझ में आ रहा अगर मैं रहना नहीं चाहे आप बोलिए आप लोग नहीं नहीं आप बताइए अगर आप होम के लिए फायदेमंद है तो रहिए साहब नहीं है तो आप मत रहिए आपके ऊपर है वो ठीक है नहीं राजा सिंह का क्या है साहब इतना स्टेटमेंट दे रहा हूँ इतने स्टेटमेंट दे रहा कंप्लेन दीजिए जरूर एक्शन अरे कंप्लेन क्या साहब दुनिया के कंप्लेन एफ आई आर बुक हो गई ना साहब वो एमएलए है साहब तो एमएलए है तो एमएलए तो कुछ भी बोल सकता है साहब उन्हें हिंदुल वली ख्वाजा गरीबन नवाज के बारे में गैर गलत बोल दे रहा साहब ऐसा है साहब आपको एक बात बता दो उस्मान साहब जी सारे जगह छोटे छोटे चीजा कुछ होते रहते होंगे जो रूट का देते परमिशन लेना रैली निकालने के लिए नहीं साहब लेकिन मारना तो गलत है ना साहब नहीं मारना तो गलत है ना ये ठीक है उसके लिए बहुत सख्ती से पावर नहीं आप क्या एक्शन लेंगे सस्पेंड करेंगे क्या करेंगे बोलिए बीजी को बुला के बोलते आइंदा पुलिस को जो है कंट्रोल करना नहीं आइंदा नहीं अब इस पे क्या करेंगे साहब अभी जो मारे सो लोगों को हल्के नामपल्ली में जो अभी ये बच्चों को मारे जईफ लोगों को मारे क्या करना बताइए आप ही बताइए अरे एक्शन लेना साहब कैसा मारते उसके लिए नहीं, नमाज से अगर पब्लिक निकली नहीं नमाज से अगर पब्लिक निकली प्रोटेस्ट तो हमारा कानूनी राइट है ना साहब मर्जी से थोड़ी हुकूमत चलती नहीं साहब मर्जी से नहीं चलती लेकिन आवाम